चिराग पासवान को वो एक एक बात याद है। आने वाले वक्त में चिराग पासवान बिहार के सीएम बन सकते हैं। अगर आज भी लालू प्रसाद यादव हैं तो बहुत सारे यादव लालू प्रसाद यादव की वजह से जुड़े हुए हैं, ना कि तेजस्वी यादव की वजह से जुड़े हुए हैं। चिराग पासवान ने बिना शर्त तो समर्थन कर दिया, लेकिन अब क्या है, चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी में फिर टूट ना करे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। क्या मोदी के हनुमान बागी हो गए हैं? क्या चिराग एनडीए से अलग होकर अलग सरकार बनाएंगे, नई सरकार बनाएंगे? क्या चिराग पासवान को अब एनडीए का साथ रास नहीं आ रहा है? देखिए, तमाम चर्चाएं चल रही हैं। ऐसी चर्चा क्यों चल रही है, यह भी आपको पता है कि तमाम दिनों क्या क्या बातें निकल कर आ रही थी। चिराग पासवान का यूं विरोध करना, केंद्र सरकार की योजनाओं पर चिराग लगातार विरोध कर रहे थे। एक भी ऐसी योजनाएं नहीं है जिस पर चिराग ने समर्थन दिया है। लेकिन चिराग ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने ये कहा था कि मैं बिना शर्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाऊंगा, बना भी दिया। लेकिन उसके बाद ये क्या हो रहा है, चिराग पासवान को इतना ज्यादा नाराजगी किस बात की हो रही है? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, इसकी चर्चा लगातार जारी है। लेकिन एक बार और इस पर चर्चा करेंगे, क्यों चर्चा कर रहे हैं, रत्नेश आपको बताएंगे। रत्नेश, क्या हो गया है अब? चिराग पासवान तो विरोध कर ही रहे थे, कल झारखंड में मीटिंग कर ली, अब क्या हो गया? चिराग पासवान को ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके 100% स्ट्राइक रेट हमने दिए हैं, तो ऐसा ना हो कि जो 2019 और 20 में हुआ था हमारे पार्टी में, लोक जनशक्ति पार्टी में, जिस तरीके से टूट मचाई गई थी, रातों रात बड़ा खेल कर दिया गया था चिराग पासवान के पार्टी को। चाचा ने जाकर नरेंद्र मोदी से, केंद्र की सरकार से, नीतीश कुमार से मिल करके रातों रात पार्टी में दो फाड़ मचा दिया। एक जो उनकी पार्टी के सांसद थे, जो छः सांसद थे, छः में से अगर पांचों सांसद जो थे वो चले गए चाचा के साथ में, बाकी के एक सांसद चिराग पासवान बच गए। तब भारतीय जनता पार्टी ने भी चिराग पासवान की बहुत ज़्यादा मदद नहीं की थी। चिराग पासवान को वो एक एक बात याद है, कैसे उनको जैसे ही उनके पिता की मृत्यु होती है चिराग पासवान बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। चिराग पासवान के अकेले होते उनके चाचा दोबारा उनको फिर से अकेला कर देते हैं, उनकी पार्टी टूटती है, परिवार टूटता है, चिराग पासवान को बिल्कुल अकेला कर दिया जाता है। लेकिन बावजूद इसके चिराग पासवान लगातार बिहार के तमाम जगहों पर जाकर के प्रचार प्रसार करते हैं, अपना एक ऑरा तैयार कर लेते हैं, अपना एक वोट बैंक जो होता है उनका, वो वोट बैंक अपने पास कलेक्ट कर लेते हैं। दलितों के साथ साथ और भी वोट, दलित के साथ साथ स्वर्णों का एक वोट बैंक उनके पास रहता है, स्वर्णों के अलावा जो मुसलमान के कुछ वोटर्स हैं वो भी चिराग पासवान के साथ रहते हैं। क्योंकि क्या है चिराग पासवान के साथ, देखिए चिराग पासवान के साथ प्लस पॉइंट यही है कि जो उनके भाषण होते हैं, जो उनका एक स्ट्रेटजी है, जो उनका विजन है, उस विजन से लोग काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। वो केंद्र में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, बिहार की राजनीति में उनकी जो पकड़ है, मतलब बिहार की राजनीति में अगर देखा जाए तो उनकी पार्टी सिर्फ थी वो, या फिर उनके अलावा जो उनके व्यक्ति हैं वो बिहार की राजनीति में नहीं है, लेकिन उनके जो स्ट्रेटजी है, उनके बोलने के जो तरीके हैं, या फिर जो फैक्ट बात वो करते हैं, इससे लोगों के अंदर लगता है कि हाँ, ये चिराग जो है वो बिहार का भविष्य है। आने वाले वक्त में चिराग पासवान बिहार के सीएम बन सकते हैं। तेजस्वी यादव के साथ क्या है कि तेजस्वी यादव के पीछे बहुत बड़ा, मतलब एक तमका लगा हुआ है, एक जंगल राज की बात उनके बारे में कही जाती है। उन्होंने तो नहीं कराया, उनके पिता ने, मतलब उनके पिता के राज में ऐसा होता था, ऐसी चर्चाएं चलती हैं। ये कौन किया, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो विपक्ष में, लालू के विपक्ष में जो भी रहे, जो पार्टियां रहीं, वो एक परसेप्शन बना दिए गए कि लालू प्रसाद यादव के राज में जंगल राज था, लालू प्रसाद यादव के राज में गुंडई बढ़ गई थी। तो ये कहीं ना कहीं, मतलब जो एक होता है ना कि पूर्वजों ने जो किया उसका भुगतान तेजस्वी यादव को भरना पड़ता है। आज भी भले ही वो बदलने की कोशिश करें, आपने देखा होगा कि 2020 के चुनाव में कैसे तेजस्वी यादव ने अपने पिता का नाम ही गायब कर दिया था, 19 के चुनाव में, 20 में अंततः तेजस्वी यादव को अपने पिता को सामने लाना पड़ा था, पोस्टर से, हर जगह पोस्टर से लालू प्रसाद यादव गायब दिखते थे। तो एक सवाल खड़ा होता था कि क्या वाकई में तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि सच में मेरे पिता ने जो किया है, जो जंगल राज की बात कही जाती है, उससे हमारे वोट बैंक या फिर हमारे भविष्य, जो राजनीतिक भविष्य है, उस पर असर पड़ रहा है। इस वजह से तेजस्वी यादव ने अपने पिता का फोटो ही गायब करना शुरू कर दिया। तो बाद में हालांकि इतना तय है कि आरजेडी में अगर आज भी लालू प्रसाद यादव हैं तो बहुत सारे यादव लालू प्रसाद यादव की वजह से जुड़े हुए हैं, ना कि तेजस्वी
तेजस्वी यादव की वजह से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे जैसे कि अभी क्या है परसेप्शन, अगर आप तेजस्वी यादव के आवास पे जाइए या आरजेडी कार्यालय में जाइए या फिर अगर आप जिले में घूमेंगे तो लालू प्रसाद यादव के बारे में एक चर्चा है कि लालू जब अपने आवास पर बैठते थे तो उनका जो दरवाजा होता था आवास का वो खुला हुआ रहता था 24, मतलब रात के समय बंद होता था लेकिन दिन में जैसे ही सुबह सवेरे होता था लालू प्रसाद यादव का आवास खुला रहता था। उस आवास पर कोई भी आता था लालू प्रसाद यादव से कैजुअली मिलता था। तो इस वजह से जमीनी नेता लालू प्रसाद यादव कहे जाते थे। लालू प्रसाद यादव मतलब कई ऐसी चर्चाएं हैं कि कुर्सी लगा के बैठ जाते थे, उनके आसपास तमाम जो लोग जो उनके चाहने वाले उनके गांव से आ रहे हैं या अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे हैं, यादवों के बड़े नेता पहुंच रहे हैं, लालू प्रसाद यादव उनसे 1-to-1 बात करते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे। वही स्थिति आज तेजस्वी यादव के साथ नहीं है। तेजस्वी यादव का विरोध इसी वजह से होते रहा है। मानसून सत्र में भी तो नहीं दिखे, मतलब बहुत जगह पे वो नहीं जाते हैं। हालांकि तेजस्वी इसमें सुधार करेंगे ये बात है, इसकी चर्चा हम करने नहीं बैठे हैं। हम चर्चा करने बैठे हैं चिराग पासवान का क्या हो रहा है। देखिए आपने एक बहुत अच्छी बात शुरुआत में कही कि चिराग पासवान ने बिना शर्त नरेंद्र मोदी को समर्थन देने की बातचीत कही थी। एक होता है ना कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, बदला निकालना है। 2020 में जो पार्टी तोड़ दिया गया, 2020 में भाजपा ने बहुत मतलब चिराग लगे रहे, भाजपा का समर्थन करते रहे लेकिन भाजपा ने दूसरे के लिए भी प्रचार प्रसार किया लेकिन भाजपा ने तब उन्हें एनडीए गठबंधन में बहुत तवज्जो नहीं दिया था। लेकिन चिराग ने जो मेहनत किया, चिराग पासवान ने जो अपना वोट बैंक बटोरा, इससे भाजपा को लगा कि मतलब चिराग को अगर अपने पास में सटाएंगे तो दलितों का एक वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक हमारे साथ तो सटेगा ही लेकिन स्वर्णों का भी एक वोट बैंक मेरे साथ सटेगा। तो उन्होंने क्या किया, 2024 के चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार से सारी जो उनकी मतलब खटपट थी, दुश्मनी था, वो सब खत्म कर दिया, चिराग पासवान को बुला लिया। अब क्या है, चिराग पासवान ने बिना शर्त समर्थन कर दिया लेकिन अब क्या है, चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी में फिर टूट ना करे तो एक प्रेशर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर डाला जाना चाहिए, एक प्रेशर डाला जाना चाहिए। इसके अलावा चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में, उनको इस बात का डर है कि विधानसभा चुनाव में जो हम डिमांड कर रहे हैं वो हमें ना मिलेगा। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि केंद्र में मोदी सरकार को बनाना है, मोदी जी को सरकार में लाना है, इस वजह से चिराग को सटाया गया। लेकिन विधानसभा में यहाँ परिस्थितियाँ दूसरी हो जाती हैं, नीतीश कुमार को यहाँ पर सीएम बनाना है तो नीतीश अगर ज़्यादा सीट का डिमांड करेंगे तो बीजेपी फिर मेरे साथ बार्गेनिंग करेगी। इस बार उन्होंने क्या किया, जो काम बीजेपी ने नहीं किया, जो काम जदयू ने नहीं किया, महिलाओं को उतार दिया उन्होंने दो दो जगहों पर, और सबसे ज़्यादा अगर आज के समय की महिला को बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा अगर मतलब अगर वैल्यू बिहार के राजनीति में किसी पार्टी का बड़ा है तो चिराग पासवान का बड़ा है। और इस वजह से चिराग चाहते हैं कि हमेशा मतलब हम वो एक दबाव डालते रहे बीजेपी के बीच में कि देखिए ऐसी स्थितियां हैं। हालांकि चिराग अगर एनडीए से अलग भी हो जाते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, 5 सांसदों को लेकर अगर अलग भी हो जाते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी हैं या फिर अमित शाह हैं या फिर जेपी नड्डा हों, ये तमाम लोग उन 5 सांसदों का व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन इससे क्या होगा, चिराग को बड़ा घाटा हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस खेमे से चिराग को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर ऑफर मिल रहा हो, लेकिन वहाँ भी एक बड़ी परेशानी है कि जैसा कि हमारे संपादक ने कल ही कहा कि यहाँ दिक्कत ये है अगर महागठबंधन में आते हैं कि ये एक दूसरे के अंडर में काम नहीं करना चाहते हैं, दोनों को सीएम बनना है, दोनों को वही कुर्सी की चाहत है। तेजस्वी चिराग के अंडर में काम नहीं करेंगे, चिराग तेजस्वी के अंडर में काम नहीं करेंगे। अगर चिराग को डिप्टी सीएम बनना ही होता तो वो इस बार जब नीतीश कुमार एनडीए में आ रहे थे महागठबंधन छोड़ के, तब चिराग को ऑफर था, सब कुछ सेटिंग हो गया था, सब कुछ बातें फाइनल हो गई थी। लेकिन दिल्ली से जब चिराग उड़े, फ्लाइट में खूब सारी चर्चाएं चली, खूब सारी बातें चली कि डिप्टी सीएम वो बन रहे हैं, यहाँ लैंड करते करते उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं डिप्टी सीएम नहीं बन रहा हूँ बिहार में। क्योंकि देखिए बिहार में एक चर्चा तो है कि जो डिप्टी सीएम बन जाता है सीएम के लिए खतरा बन जाता है। हालांकि इसके पूर्व में कई लोग बने हैं, डिप्टी सीएम से सीएम भी बने हैं, लेकिन अभी जो परसेप्शन एक चल रहा है सुशील मोदी से शुरू किया गया, देखिए ना आज जो लोग भी डिप्टी सीएम बने हैं क्या सीएम की रेस में है, वो सीएम की रेस सम्राट चौधरी भी थे लेकिन डिप्टी सीएम बनाकर उनकी भी संभावनाएं समाप्त कर दी गई हैं। तेजस्वी यादव पिछले 3 टर्म से लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे हैं सीएम। तो इस वजह से चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि ये अब देखिए क्या है, चिराग पासवान के साथ एक और दिक्कत है, उनको लगता है कि दलित का वोट बैंक हमारे से छिटके नहीं, दलित के अलावा बाकी जो जातियां हैं जिन जातियों की वजह से अब एक वोट बैंक को लेकर के चिराग पासवान तो सीएम बन नहीं सकते हैं, क्या दलित के वोट से बन सकते हैं, क्या स्वर्णों के वोट से बन सकते हैं, उनको एक बड़ा वोट बैंक चाहिए जो बिहार को हमेशा सीएम बनाते आया है।
ओबीसी वर्ग में यादव उनको चाहिए, मुसलमानों का समर्थन चाहिए, ईबीसी में बाकी सारी जातियों का समर्थन चाहिए, और इस वजह से लगातार वो आरक्षण और जातिगत जनगणना के मुद्दों पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। लेटरल एंट्री का मामला हो, वक्फ बोर्ड के मामले पर वो ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर रहे हैं जैसे लग रहा है मुस्लिम नेताओं मुस्लिम मिल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक वोट से, एक जाति से हम सीएम नहीं बन सकते हैं, उन सबको ध्यान में रखना होगा। चिराग पासवान के ऊपर बहुत सारा आरोप लगता है कि सिर्फ एक जाति को वो सोचते हैं, बाकी जातियों के बारे में नहीं सोचते हैं, तो इस वजह से उन सभी जातियों को कलेक्ट भी करना चाहते हैं। इस वजह से आप देखिए राहुल गांधी के बयान में जो बातें उन्होंने कही थी उन पर उन्होंने बयान दे दिया है, क्या कहा है वो भी आप दर्शकों को जान लेना जरूरी है। उन्होंने कल झारखंड में एक बैठक बुलाई थी अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। इस बैठक में उन्होंने मुद्दा उठाया कि मेरी पार्टी ने हमेशा जाति जनगणना के समर्थन में अपनी स्थिति स्पष्ट रखी है, हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, और इसका कारण ये है कि कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसी योजना बनाती है जो जाति को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। ये योजनाएं मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से बनाई जाती है, ऐसे में सरकार के पास उस जाति की जनसंख्या की जानकारी होनी चाहिए, कम से कम यह जानकारी होनी चाहिए ताकि उस जाति को मुख्यधारा से जोड़ने या संबंधित योजना के तहत धन का वितरण उचित मात्रा में किया जा सके। इस संबंध में यह आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि यह मतलब पहला बार नहीं है, यह हमेशा जातिगत जनगणना के पक्ष में हम लगातार सवाल उठाते रहे हैं, भारत बंद को लेकर के उन्होंने समर्थन कर दिया, तो यह सारी क्या परिस्थितियां बन रही है। भारत बंद के समर्थन में उनके जो मुस्लिम एक नेता है उन्होंने कह दिया कि हमारे जो नेता हैं, जो सांसद हैं, गुलाम नहीं है किसी के, तो ये सारी बयानबाजियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि चिराग पासवान, ये देखिए ये कहा जा रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स है, लेकिन 18% मुसलमानों के बिना वोट से, 14 से 17% के बीच में यादव के बिना वोट बैंक से, ओबीसी वर्ग में आने वाली तमाम जातियों के बिना वोट बैंक से क्या चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? असंभव है। उनको बाकी सारी जातियों को लेकर चलना होगा, और इस वजह से वो एक अपना ऑरा तैयार कर रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार के बारे में क्या चर्चा है, नीतीश 25 के बाद 29 में चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, ये मतलब अभी तैयारी नहीं है। 25 हो सकता है कि उनका अंतिम चुनाव हो सकता है कि उसके बाद रिटायर कर जाएं, हो सकता है कि वो खुद कुर्सी छोड़ दे अपने मन से, रिटायरमेंट ले ले, अपनी रिटायरमेंट तय कर ले। तो ये जैसे ही नीतीश कुमार कुर्सी खाली करेंगे, उनके उस कुर्सी के लाइन में कौन है? चिराग हैं, तेजस्वी हैं, इसके अलावा जीतन राम मांझी के बेटे हैं, इसके अलावा और भी कई युवा नेता हैं, लेकिन फिलहाल चिराग बहुत पॉपुलर है। चिराग अपने अपनी पर, अपनी मतलब एक होता है ना कि जैसे चिराग तेजस्वी के साथ क्या एक कमी है कि बहुत सारे चीजों पर तेजस्वी कहीं ना कहीं ध्यान नहीं देते हैं, चिराग हर मुद्दों को उठाते हैं, चिराग पासवान हर उन मुद्दों को टच कर जाते हैं जिनसे लगता है कि चर्चा में रहें, या फिर बाकी जो जातियां हैं, बाकी बिहार के जो जनता है उनके तरफ ध्यान उनका आकर्षित होते रहे कि हाँ ये मुद्दा भी उठा दिया ने, आरक्षण का भी मुद्दा उठा दिया इन्होंने, जातियों के बारे में मुद्दा उठा दिया उन्होंने। तो चिराग पासवान अपना एक ऑरा तैयार कर रहे हैं और इस वजह से एक चर्चा है। और देखिए अगर चिराग पासवान को ऑफर मिल जाए ज़्यादा सीटों पर लड़ने के लिए बिहार में, मान लीजिए कि कांग्रेस के साथ क्या स्थिति हुआ लोकसभा में, कांग्रेस ज़्यादा सीटों पर डिमांड कर रही थी लेकिन आरजेडी ने नहीं दिया, विधानसभा में हो सकता है कि कांग्रेस अलग लड़े, पप्पू यादव इस वक्त हैं, पप्पू यादव के हाथ में सारा कुछ आ जाए, अगर मान लीजिए कांग्रेस अलग लड़ता है तो फिर 2020 में जो एक थर्ड फ्रंट बनाया गया था उपेंद्र कुशवाहा के अलावा बाकी सारे लोग जो थे वो कहीं ना कहीं इस बार फिर चिराग पासवान अगर अलग हो जाते हैं, ज़्यादा सीट मिल जाता है तो कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस के अलावा अगर कांग्रेस के अलावा और भी बाकी जो दल है वो आ जाते हैं तो कांग्रेस बाकी दलों को कोई दिक्कत नहीं होगी चिराग पासवान को सीएम बना दिया जाए। तो हो सकता है कि ज़्यादा ऑफर मिल रहा हो, इस वजह से चिराग चाहते हैं कि मुझे उधर से ज़्यादा ऑफर, ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है तो हम क्यों ना अपना एक ऑरा तैयार करें, क्योंकि अब सीएम बनना है चिराग पासवान को, और वो रणनीति अगर नहीं बनाएंगे तो कब तक वो नीतीश के भरोसे, कब तक वो भाजपा के भरोसे, कब तक वो बाकी गठबंधनों के भरोसे वो रहेंगे? तो वो अपना एक ऑरा तैयार कर रहे हैं और इस वजह से ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। अब देखिए इनके सांसदों को, रत्नेश एक बात सवाल मैं पूछूंगी, राहुल गांधी ने अगले दिन, जैसे कल चिराग ने झारखंड में बयान दिया, उसके एक दिन पहले प्रयागराज में राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर सवाल, और अगले दिन चिराग पासवान, ये कोई लिंक बन रहा है क्या? देखिए विपक्षी दलों की जो डिमांड रही है, चाहे लेटरल एंट्री का ही मामला पहले राहुल गांधी ने उठाया था, फिर चिराग पासवान ने भी उठा दिया, इसके अलावा लेटरल एंट्री के अलावा बाकी जो बयानबाजी अगर आप देखेंगे, भारत बंद का समर्थन भी उन्होंने कर दिया, इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान में चिराग के साथ कौन बैठा था?
राहुल गांधी भी बैठे थे। नरेंद्र मोदी से जब मुलाकात हुई थी, जब सदन चल रहा था, तो उसमें एक तस्वीर आया था जिसमें चिराग के अलावा राहुल गांधी भी मौजूद थे वहां। वक्फ बोर्ड जो जब जेपीसी को सौंपा गया, उस मीटिंग में अरुण भारती मौजूद थे। बिल्कुल, अरुण भारती सबसे पहले तो जो आरक्षण और क्रीमी लेयर की बात सांभवी चौधरी ने ही उठाई थी, जब मीडिया ने सवाल किया था छुआ तो छुआछूत वाली बात उन्होंने कह दी थी। तब से ये ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान ने, देखिए अभी तो चल रहा है कि चिराग के सांसद को तोड़े जा रहे हैं, चिराग के सांसदों में तोड़ मचेगी, लेकिन चिराग ने अपनी सभी सांसदों को बोल दिया है कि ये मुद्दे जो देश के बाकी जातियों के लिए अगर हितैषी है तो आपको उन मुद्दों को उठाना है। देखिए अगर चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में बागी होते हैं या तेवर उनके बदलते नजर आते हैं तो सांसदों को तोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। सांभवी चौधरी से शुरुआत होगी, राजेश वर्मा और खुद उनके जीजा भी टूट सकते हैं। और सांभवी चौधरी ने तो एक निशाना संदेश भी दे दिया ना सीएम नीतीश पे बुक लिखकर। बिल्कुल, सीएम नीतीश पे बुक लिखकर एक संदेश दे दिया है कि भाई अगर होना हो, अगर कल नीतीश कुमार को समर्थन देना पड़े तो हम समर्थन भी दे सकते हैं। तो ये सारी परिस्थितियाँ हैं और चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से अलग हो सकते हैं अगर एनडीए गठबंधन नहीं संभलता है। भाजपा को क्या, कल ही हम एक चर्चा कर रहे थे पंचनामा में, तो हमने अपने संपादक से सवाल किया कि भाजपा मतलब जब भी सत्ता में आती है तो अपने गठबंधन दल के लिए वो रिलैक्स हो जाती है, क्या रे तो है ही, ये जाएंगे कहाँ। लेकिन यही कमी जो है ना भाजपा के लिए, वो नीतीश कुमार मैंने दिखा दिया है कि रिलैक्स रहिए, आप कुछ सोचिए नहीं, बस हम फरार हो जाते हैं। चिराग पासवान को लेकर के भी भाजपा रिलैक्स है, क्या रे कहीं नहीं जाएंगे, जाएंगे तो हम सांसद तोड़ लेंगे, अगर सांसद नहीं टूटे तो तब क्या कीजिएगा। तो भाजपा के लिए भी ये वेकअप कॉल है, भाजपा को भी इस पर संभालना जरूरी है, उसके लिए रणनीति बनानी जरूरी है। आप जाकर सिर्फ एक छड़ी दिखाने से थोड़ी होता है, पारस के यहाँ जाके मुलाकात कर लिए कि अरे हम मतलब अगर आप छोड़िए तो पारस जी आएंगे, पारस जी आके क्या कर लेंगे। चिराग पासवान के पास तो एक वोट बैंक है ना, और इस वजह से भाजपा सत्ता में तो आ सकती है ना। कल संपादक हमारे कह रहे थे कि भाजपा ना तो सरकार में कभी कभी अच्छी दिखती है और ना ही विपक्ष में भी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। भाजपा रिलैक्स हो जाती है कि अरे मोदी जी है ना, अरे मोदी जी के अलावा जेपी नड्डा है ना, बिहार भाजपा को क्या मतलब है इससे, हम बस कुर्सी पर हैं ना, ये एक मतलब होना चाहिए। तो ये स्थिति है और इतना आप तय मानिए कि अगर ये चर्चा अगर उठ रहा है तो हो सकता है इसका रिवर्स साइकोलॉजी हो जाए कि सांसद टूट रहे हैं, कहीं सांसदे को लेकर फरार हो जाए चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से, तब क्या होगा। तो भाजपा के लिए वेकअप कॉल है और भाजपा को मुझे लगता है कि इस पर जाकर बातचीत करना चाहिए, जैसे नित्यानंद राय ने जाकर चिराग को मनाया था, इस बार भी अब उनको सामने आना पड़ेगा। अगर नित्यानंद राय से नहीं मानते हैं तो बाकी किसी नेता को आकर मनाना पड़ेगा चिराग पासवान को, तभी जाकर गठबंधन बच सकता है, वरना 25 से पहले बड़ा भूचाल आएगा एनडीए गठबंधन में और ये एनडीए गठबंधन एक एक करके धीरे धीरे टूट जाएगा। चलिए देखिए, जहां तमाम एनडीए के नेता गिरिराज सिंह हो गए, ललन सिंह हो गए, जाति जनगणना पर जो उन्होंने सवाल उठाए, वहीं चिराग पासवान ने अब राहुल गांधी का समर्थन कर दिया है, राहुल गांधी के सुर से सुर मिला लिया है, क्या चाहते हैं चिराग पासवान, चर्चाएं जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।